सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो फास्ट वे अमृतसर खबरनामा। मैं देविका जैन ते उन सब तो पहला एक नज़र अज के बुलेटिन दी मुख खबरां वल। साबका केंद्रीय मंत्री ते सांसद हरसिमरत कौर बादल सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे होए नतमस्तक। सांसद गुरजीत सिंह औजला पत्रकारां दे होए रूबरू। मेयर करमजीत सिंह रिंटू ने कामधेनु गोदाम ट्रस्ट का किया दौरा। साबका केंद्रीय मंत्री ते सांसद हरसिमरत कौर बादल ने अपनी अमृतसर फेरी दौरान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे मत्था टेकिया अते अकाल पुरख दे चरणा विच हाजरी पर चढ़दी कला की अरदास की थी। सांसद गुरजीत सिंह औजला वालों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान पत्रकारों नाल गलबात करदे दस्या गया कि नगर निगम विभाग विच जो कांग्रेसी चेयरमैन सन उन्हां नूं चेयरमैन दे अहुदे तों वांझा किया गया सी, जिस दौरान हाई कोर्ट वालों उस मुद्दे उपर 17 नवंबर 2022 तक स्टे लगा दिता गया है। इस मौके सीनियर डिप्टी मेयर रमन बख्शी, जिला प्रधान अश्विनी पप्पू, साबका चेयरमैन दिनेश बस्सी, साबका चेयरमैन दमनदीप सिंह, कौंसलर विकास सोनी, हाउसिंग टैक्स के चेयरमैन अश्विनी काले शाह समेत वड्डी गिनती विच कांग्रेसी वर्कर मौजूद सन। ये जिहड़ा शहर है जिथे कि कारपोरेशन अपना काम कर रही थी, कांग्रेस पार्टी की मेजोरिटी सी, उन्होंने जिहड़े चेयरमैन सी उन्होंने काम तो वांझिया किया। मानयोग हाईकोर्ट साहब ने इहदी सुनवाई करते हुए मानयोग जज साहब ने अज उस आर्डर जिहड़े 31-3 दे आर्डर होए सी उन्हां ते 17-11-2022 17 नवंबर 2022 तक स्टे ला दिता, पर मानयोग हाई कोर्ट ने अज वो ऑर्डर स्टे करके एक सच्चाई की बहुत वड्डी जित हुई है और ये जित अमृतसर वासियों की है, ये शहर वासियों की है, ये कारपोरेशन दे नाल जुड़े साडे कौंसलर साहबाना की है। ये जानकारी तुहानू अज असीं सामने रखनी चाहुंदे सां। नगर निगम के मेयर करमजीत सिंह रिंटू ने गुमानपुरा रोड छियाटा विखे कामधेनु गौताम ट्रस्ट का दौरा करके इत्थे आवारा बीमार ते जख्मी गावां दी देखभाल अते इलाज ते हो रहे कामां दा जायजा लिया अते उन्हां ने कामधेनु गौताम ट्रस्ट वल्लों इत्थे गौताम दी कीती जा रही सेवा संभाल दी भरपूर शलांघा कीती। मेयर ने दस्या कि गौशाला विच इक होर नवा शैड बना के इत्थे कपैसिटी नूं होर वधाया जा रहा है, इत्थे कच्ची थां नूं पक्का कीता जा रहा है। इस मौके ते नगर निगम कमिश्नर संदीप ऋषि अते सुख अमृत सिंह भी मौजूद सन। ये जिहड़ी साडी गऊशाला है नगर निगम वालों पंजाब दा पहला पायलट प्रोजैक्ट है, जिहड़े आवारा पशु सड़कां दे उत्ते घूमदे ने, जिहड़ी साडे शहरियां दी जान दी या किसी भी किस्म दा उहनां दी सेहत नूं नुकसान पहुँचा सकदे ने, उस चीज़ तो बचाव वास्ते नगर निगम ने पहली अपनी गऊशाला बनाई है। लगभग 500 पशु की कपैसिटी दी है और इत्थे उही पशु रखे जा रहे हैं जिहड़े दुधारू नहीं गे और जिन्हां नूं लोगां ने सड़कां ते छड्डिया हुंदा। ये असी पहला सब तो वड्डी गऊशाला बनाई सी, हुण उहदी अगे एडिशन कीता, उहदे च नवां एक शैड होर बना रहे हैं, उहदी कपैसिटी वधा रहे हैं, जिहड़ा कुछ कच्चा थां रह गया सी उहनूं पक्का कर रहे हैं, होर खुरलियां बना रहे हैं ते इस दे नाल नाल उहदे नाल दी बिल्डिंग दे विच ही असी एक डॉग स्टरलाइजेशन सेंटर बनाया कि जिहड़ी शहर दे विच पिछले कुछ समय तो मैं तो कहांगा कि पिछले 35-40 साल तो ही इत्थे कोई एनीमल बर्थ कंट्रोल नाम का प्रोग्राम नहीं सी चलिया, उहदा करके आवारा कुत्तियां दी भरमार सारे शहर च होई है, जिहड़े सारे शहरियां दी जान लई खतरा बने आ उहनां दी स्टरलाइजेशन वास्ते भी सेंटर बने आ और पिछले असीं समय दे उत्तों इह काम शुरू कीता, पर इहनूं डे बाय डे असीं उहदी स्पीड वधा रहे हां।
हूँ उस सेंटर की कपैसिटी भी असी डबल कर जा रहे हैं और उत्थे भी एक इमारत वो बना जा रहे हैं। अज इन दोनों चीज़ों का उत्थे निरीक्षण किया और जेडे साड़ी उत्थे कामधेनु गऊ ट्रस्ट है वो वालों उत्थे मैनेजमेंट की जा रही है और बड़े वधिया पर्याप्त प्रबंध किए गए से उन्हें वेख के तसली प्रगट असी की है। मैं और साडे नगर निगम कमिश्नर भी गए थे ते इस तो इलावा ये दो एक शैड बन के कंप्लीट हो के चल रहा दूसरा भी बन जाएगा होर कपैसिटी बन जाएगी। इस तो बाद एक असी तीसरे शैड की भी उत्थे एक प्रपोजल रखी है। सो इस साल के अखीर तक साडा ये टारगेट रहेगा कि शहर के विचों सारे ही आवारा पशु जड़े ने उन्हें फड़ के ते ये गौशाला दे विच रखे जान तां जो शहरियों नूं एक बहुत वड्डी जिहड़ी सहूलत मिल सके। BNI पैरिन दी लॉन्चिंग सेरेमनी दा आयोजन होटल रेडिसन विखे कीता गया जिस विच 200 तों वध मैंबर्स ने हिस्सा लिया। इस मौके ते केक कटिया गया अते मैंबरां नूं वधाई दित्ती गई। समागम दौरान संचित ते विशाल ने BNI पैरिन बारे विचार सांझे कीते अते आख्या कि रेफरल बिजनेस दे वाधे लई नवे उपराले कीते जाणगे। Secondly, Vice President Chair of the Membership Committee, which is charged with the following important task, dealing with new member application, including the following up of all references, dealing with any conflict of interest which may arise within the chapter, without knowing that they have been called. Right. Thank you so much, referral partners. And we welcome you in BNI. So this is what we call a referral. Most of the businesses and we had more than 200 visitors and guests and referral partners along with us. ਇਹ BNI ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 250 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਈ ਐਮ ਲੁਕਿੰਗ ਫੋਰਵਰਡ ਕਿ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਆਉਣ BNI ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਗਰੋਥ ਵੱਲ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਮਾਰਾ BNI ਪੈਰਿਨ 5th ਚੈਪਟਰ ਜੋ BNI ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾ ਹੈ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। एंड वी हैड ओवर 175 विजिटर्स थे हमारे आज एंड बहुत ही सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है। हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट मिस्टर बलदीप सिंह स्वानी थे फ्रॉम स्वानी मोटर्स एंड इट वाज ओवरऑल अ वेरी वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस एंड सारे रेफरल पार्टनर्स इकट्ठे हुए थे एंड सारों ने अपने 30-second पिच शेयर करी, बिजनेस को डिस्कस किया और आज के दिन ही 1.5 crore का काम हुआ है इस चैप्टर के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और ऑलमोस्ट 84 रेफरल्स पास हुए हैं तो BNI में, तो ये बहुत ही खुशी का मौका है। जीसस ग्रेस पावर मिनिस्ट्री वालों विशाल हीलिंग क्रूसेड बरकतां दी शाम चंगियाई प्रार्थना सभा दा आयोजन पिंड फॉरेस्ट विला चबाल रोड विखे कीता गया अते सरबत दे भले दी अरदास कीती गई। इस मौके विधायक डॉक्टर अजय गुप्ता वालों मुख तौर ते पहुँच के हाजरी भरी गई अते उन्हां नूं सन्मानित कीता गया। इस मौके बिशप उल्फत राज, रेवरेंट बलविंदर जॉन, जोसन राज समेत वड्डी गिनती विच संगतां हाजिर सन। तुसी सारयां ने वोटां पाईयां ते असी कामयाब होए, तुसी सानू कामयाब बनाया, उहदे लई वी तुहाडा दिल दीआं गहराईआं तों शुक्रिया। सो उसे सोच दे तहत असी जिद्दन दी सरकार बनी है, मास्टर साहब बड़ी ईमानदारी दे नाल, बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी के नाल असी लोगों के काम कर रहे हैं, लोगों के विच जा रहे हैं, जिथे जिथे कोई बुला रहा उत्थे जा रहे हैं, उन्हां दी मुश्किलां सुन रहे हैं, उन्हां दा कोशिश कर रहे हैं मौके दे हल कढ़न दा। और काफ़ी हद तक असी इस मिशन च कामयाब भी हो रहे हैं क्योंकि परम पिता परमात्मा दा, यीशु मसीह जी दा आशीर्वाद साडे नाल है। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਪਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ NTCP ਡਾਕਟਰ ਕਰਨ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ NTCP ਤਹਿਤ ਸਮੂਹ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਵੇਚੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈਗੀ ਆ
तो सारे थ्रूआउट का जिहड़ा साडा स्टेट ऑलरेडी जिहड़ा कोपट एक्ट हैगा वो पहले ही चल रहा है, वो अंदर जिहड़ा 18 साल तो घट जिहड़े हैगे आ लोग ना वो लै सकते हैं तो ना दुकानदार तंबाकू जां उहदे प्रोडक्ट कोई वेच सकता। इस तों इलावा जिहड़ी हैगी आ जदों उहने वेचना प्रोडक्ट कोई तो वह बंद डब्बी जिहड़ी वेच सकता लूज़ नहीं वेच सकता, तो उहदे उपर जिहड़े आ साइन आ सरकार वल्लों मार्किंग आधारित हैगी आ वह होनी चाहिए आ, वो जिहड़ा भी इहदी कोई वायोलेशन करता। इस तों इलावा जिहड़े भी कोई धार्मिक इंस्टीट्यूशन ने जां स्कूल ने उहदे जिहड़ा पैरामीटर रखा हैगा कि 100 गज मिनिमम 100 गज का हुंदा पैरामीटर कि वो सराउंडिंग नहीं होनी चाहिए, जे उत्थे कोई भी लगाएगा कोई खोखा लगाउंदा जां कोई टैंपररी लगाउंदा वो भी जिहड़ा दैट इज़ ए ऑफेंस। तो साडियां जिहड़ियां टीमां ने वो लगातार सारे जिले जिहड़े आ जिहड़े हैगा वो देख रही ने इस चीज़ों कि उहदी कोई वायोलेशन तां नहीं हो रही। फिर जिहड़ी पब्लिक प्लेसिस ते स्मोकिंग आ वो भी जिहड़ी हैगी आ दैट इज़ बैन। ये सारे चीज़ों की जे कोई वायोलेशन करता तो अंडर द जो कोपट एक्ट चलान जिहड़ा किया जाता मौके पर उन्होंने जुर्माना उत्तर लिया जाता। तो साढ़े जिले में तकरीबन इस महीने में 300 तो वध जिहड़े चलान हैगे वो किए गए लोगों के। तो मैं यही अपील करांगा तुहाडे चैनल राही कि जो सरकार ने कानून बनाया हैगा सानू सारयां नू कानून की पालना करनी चाहीदी है, तो जिहड़ियां हदायतां ने वो मननियां चाहीदियां ने। तो नाल नाल क्योंकि जो तंबाकू है बीड़ी सिगरट हैगे इहदे नाल बड़ियां भयानक बीमारियां खास तौर पर जिवें लंग्स का कैंसर हो जाता साढ़े मूँह का कैंसर हो सकता, ये बड़िया भयानक बीमारियां ने जिन्हां का कोई बेइलाज नहीं तो जिहदे उपर लखां रुपए का खर्च हुंदा ते उहदे बावजूद भी कोई गरंटी नहीं हुंदी कि तुहाडी जिंदगी बच सकती कि नहीं बच सकती। पहली गल तो यह आ कि सानू इहनू खाण चीज़ां नू इहनां नू पीण तों परहेज़ करना चाहिए। नंबर दो जे कोई बंदा लै रहा तो उन्होंने जो सरकार दियां रूल्स आ रेगुलेशन उहदी पालना करनी चाहिए है, नहीं तो जो साडे वल्लों बनदी कार्रवाई आ उह उस दे खिलाफ कीती जाए। सेहत विभाग वल्लों जिहड़ा तंबाकू नोशी दे खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है जागरूकता मुहिम चलाई जा रही जिस दे तहत सेहत विभाग वल्लों यह आदेश दिता गया है कि जिहड़ी जनतक थावां उत्ते कोई भी इंसान स्मोकिंग नहीं कर पाएगा सिगरट नोशी नहीं कर पाएगा। दूजे पासे ये भी एक निर्देश दिए गए हैं कि 18 साल तो थले उम्र के भी किसी भी इंसान नूं ना तो तंबाकू बेचा जा सकता है और ना ही उन्होंने तंबाकू पीने की इजाजत होगी। सो कुल मिला के सेहत विभाग का लोगों को अपील है कि इस जो नियम ने या जो निर्देश ने इन्हें इन बिन पालना की जाए नहीं तो सेहत विभाग कार्रवाई करेगा। कैमरामैन राकेश कुमार ने संदीप सियाल फर्स्ट न्यूज़ अमृतसर। पुलिस थाना मजीठा रोड वालों एक दोषी नु चोरी दे मोटरसाइकिल समेत काबू किया गया है जिस उपर मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई की जा रही है। वल्ला सब्जी मंडी रोड उपर उस वेले सनसनी फैल गई जब उस रोड उपर विछाई गैस पाइप के चैंबर नु सूरज की गर्मी कारण अग लग गई जिसके चलदिया फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुँच के अग पर काबू पाया अते मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने इस संबंध में सारी जानकारी दी। इतने जिक्र योग है कि इस हादसे दौरान कोई जानी नुकसान नहीं होया अते ना ही कोई जख्मी होया है। पर इतने सोचने की गल कि सरकार वालों यह उपराला लोगों की सहूलियत किया गया है पर अगर गर्मी के तापमान इस उपर अग लग गई है तो यह गैस पाइप लोगों के घर भी विछाई जानी है उस उपर सरकार वालों कोई गौर किया जाए ता जो कोई जानी नुकसान जा कोई हादसा ना वापर सके। मौके पर आए हैं फायर ब्रिगेड भी मौके पर सद लिया अग तो काबू पा लिया कोई जानी माली नुकसान नहीं होया कोई यहोजी कोई घटना नहीं हुई कोई पाइपलाइन भी की लीक हो गई वो तो अग लग गई पेट्रोल नूं दसता वो गां अपने इन्होंने कंसर्नड ऑफिसर जो जानू कराता उन्होंने पिछों सप्लाई बंद कर दी बचा हो गए सारे ठीक ठाक है। सरकार ते जिला प्रशासन वालों लोगों की सहूलत लिए जिते वख-वख उपराले किए जा रहे हैं पर जे गल कर लिए उन्होंने उपरालिया का कितने खतरा भी लोगों सब तो वड्डा बन रहा है। कारण है कि साडी टीम पहुंची है वल्ला रोड के उत्ते जिथे कि गैस पाइपां प्रशासन वालों पाने की मुहिम शुरू की गई है पर गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा वधिया होया गर्मी के प्रकोप नाल ही वो सड़क के उत्ते जिहड़ा उहदा सीवरेज बनिया पिया जिथों कि जमीन च पाइपां जा रही ने गैस दियां तो उहदे विच बिल्कुल अग लग चुकी है। तो देखिया तुहानूं सारियां तस्वीरां दिखाईआं ने तो सो लोगों की एक ही प्रशासन तो मंग है ट्रैफिक पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे ने फायर ब्रिगेड की भी टीम मौके पर पहुंची है जिन्होंने अग पर काबू पा लिया गया पर यह एक जानलेवा जिहड़ा उपराला किया जा रहा सरकार वालों शुरू तो लोगों को एक ही मैसेज है कि बड़ा ध्यान ना बड़ा सेफ्टी नाल चलन तो प्रशासन भी ये देख रेख वधिया उपराले करके इहनूं वधिया तरीके नाल बनावे ता जो लोगों को कोई मुसीबत ना आए। कैमरामैन नरेश कुमार दे नाल सुशील शर्मा फास्ट वे न्यूज़।
अमृतसर। पुलिस थाना ए डिवीजन वालों एक दोषी अश्विनी कुमार उर्फ बब्बू नु काबू कर उसके कब्जे विचों 2 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिस उपर पुलिस वालों मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई की जा रही है। पेशेंट्स की मेडिकल टेस्टिंग विच करसना एक नाम पूरे भारत में उभर के सामने आ रहा है। ये एक प्राइवेट कंपनी है और स्टेट गवर्नमेंट्स नाल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स विच टेस्टिंग लैब्स खोलन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। पंजाब विच भी गवर्नमेंट नाल हॉस्पिटल्स विच डायग्नोस्टिक सेंटर्स खोलन का प्लैन है, जिसके तहत कई शहरों में ये लैब्स खुल चुकिया हैं और अमृतसर इन विचों एक है। कुछ समा पहला असी इस सेंटर की ओपनिंग विखाई सी, जो कि सिविल हॉस्पिटल के कंपाउंड के अंदर खोलिया गया है। मार्केट के प्राइवेट सेंटर्स के नाल जे तुलना की जाए तो इस सेंटर में तकरीबन 70% घट रेट से टैसट किए जाते हैं। इस सेंटर में दुनिया की मशहूर कंपनिया की मशीन लगाई गई हैं, जो कि टैसट रिपोर्ट बिल्कुल एक्यूरेट दिंदिया हैं। साड़ी पहली रिपोर्ट तो बाद टैसट करवाण आए पेशेंट्स की गिनती वधी है और लगातार बढ़ रही है। लोग इस लैब की रिपोर्ट्स तो संतुष्ट हैं और खुश हैं कि महंगे टैसट बहुत ही घट कीमत से हो जाते हैं। असी उम्मीद करते हैं कि करसना लोगों की सेवा करती रहेगी, क्योंकि ये सेंटर 24 घंटे और 7 दिन खुला रहता है। अज साड़ी टीम एक बार फिर आई है करसना डायग्नोस्टिक सेंटर, जिहड़ा कि सिविल हॉस्पिटल के कंपाउंड खोलिया गया है। कुछ टाइम पहले यानी इनॉग्रेशन हुई सी और काफ़ी महंगी मशीन के उत्ते टैसट प्रोवाइड करते हैं। मार्केट तो तकरीबन 70-80% लैस कॉस्ट के उत्ते टैसट होंगे हैं। जिहड़े महंगे टैसट बार प्राइवेट लैब्स होंगे सी, वो लोगों हुण हौली हौली अवेयर होंगे पे ने कि वो हल्के टैसट हल्के रेट्स के उत्ते इत्थे हो जाते हैं। उम्मीद यही है कि भी जिन्ना ज़्यादा अवेयरनेस होएगी लोगों को, उन्ना जल्दी तो जल्दी लोग अपने टैसट वास्ते इत्थे आएंगे, क्योंकि असं भी चाहते हैं कि शरीर लोगों के सही रहन, हैल्थ सही रहे, ताकि कामकाज लोगों के चलते रहन। वधिया उपराला हैगा इस कंपनी का, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया इन्होंने मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं अलग अलग गवर्नमेंट्स के नाल, और पंजाब के नाल हर सिविल हॉस्पिटल के विच इन्हां दा एक सेंटर खुलता पिया है। अमृतसर कंपलैक्स के अंदर बहुत वधिया सेंटर है खुलिया होया है सिविल हॉस्पिटल के अंदर, और उम्मीद करते हैं कि वध तो वध लोग इसका उपयोग करेंगे। कैमरा परसन अजय नाल जेपी सिंह, पासवे न्यूज़, अमृतसर। बीते दिन नवाकोट के रहने वाले विजय चावला वालों लुट खोदी दर्ज कराई घटना का वो खुद ही मास्टर माइंड निकलिया। उसके सहुरियां वालों रखी राशि और सोने के जेवरात हड़पन लिए उसने ये ड्रामा रचिया। इस संबंधी जानकारी दिंदिया ACP साउथ रविंदर सिंह ने दस्या कि विजय चावला ने 14 अप्रैल नूं थाना सी डिवीजन विखे केस दर्ज करवाया सी कि मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्तियों ने उसके एक्टिवा नूं टक्कर मार के उसनों हेठां सुट दिता ते मार कुट करके एक्टिवा की डिग्गी विचों 5 लाख की नकदी ते 200 ग्राम के सोने के जेवरात लुट के फरार हो गए। थाना मुखी गुरमीत सिंह ने शक पैन ते विजय चावला तो इस संबंधी सख्ती नाल पुछगिछ की, तो उसने मनिया कि उस वालों उसके सहुरियां वालों उस पास रखे गए 3,92,000 ते 200 ग्राम के सोने के जेवरात हड़पन लिए उसने ये लुट की वारदात का ड्रामा रचिया, जिस विचों उसने 2,61,000 रुपए खर्च कर लए हैं। पुलिस ने उस पासों 1,31,000 रुपए ते 186 ग्राम 700 मिलीग्राम सोने के गहने बरामद करके उसनु गिरफ्तार कर लिया है। 14/4/22 नूं रात नूं 10:30 बजे वो अपने घर तो डिग्गी स्कूटी विच 5 लाख रुपया कैश ते करीब 200 ग्राम गहने जिहड़े ने वो लैके आ रहा सी कि वो अपने सहुरा परिवार के जो कि उहदे सहुरा परिवार ने उहदी सस ते उहदी साली ने उन्हें बतौर अमानत दे लई रखने लई दिते हुए उन्होंने वापस करन जा रहा सी कि जदों वापस इतों मार्केट कमेटी के दफ्तर दे नहीं पहुँचा तो उन्होंने उत्थे 3 मोटरसाइकिल सवार जो पल्सर ते आए सन तो उन्होंने गलती उहदे नाल लुट की है, उन्होंने कुटिया तो वो डिग्गी पिछों 5 लाख रुपया जिहड़ा ज्वेलरी है हो के लै गए हैं। वधेई है विजय कुमार चावला, ये प्रीवियस जिहड़े एंटीसीडेंट्स ने ये बारे कुछ पता किया जो सारे SHO तो इन्हों की टीम ने जो सारा चंगे बरी किना देखा तो वह भी पता लगा भी कोई देनदारियाँ काफ़ी हैं, ये थोड़ा डाउटफुल है। फिर यदि गहराई ना काफ़ी पुछगिछ की गई तो फिर जो पुछगिछ के दौरान जो ये सामने आया इसने सारा ही जरा जे पैसे खुद ही खुरत खुरत किए ने इन बच्चों करीब 2,61,000 रुपया खर्च कर दिता है, तो बाकी जरा ज्वेलरी के पैसे जोड़े से अपने घर ही छुपा के रखे हुए।
सिविल सर्जन डॉक्टर चरणजीत सिंह ने अपने दफ्तर तो गैर संचारी बीमारियां कैंसर शुगर अते हाइपरटेंशन दे संबंध विच जागरूकता वैन नू झंडी विखा के रवाना कीता। उन्हां आख्या कि सेहत विभाग वल्लों लोकां नू बेहतरीन इलाज मुहैया करवाया जा रहा है। जिला भलाई अफसर डॉक्टर जसप्रीत शर्मा, डॉक्टर मदन मोहन समेत कई अधिकारी मौजूद सन। अमृतसर के तरन तारण रोड विखे गुरु नानक कलोनी गली नंबर 3 विच रिहायशी इलाके विच नजायज़ तौर पर चल रही शतरंज बनाउन की फैक्ट्री विच कैमिकल अते लक्कड़ के बुरे कारण भयानक अग लगन का मामला सामने आया है। फायर ब्रिगेड दिया 3 गड्डिया ने बड़ी मशक्कत नाल अग ते काबू पाया। इस संबंध में फैक्ट्री मालिक का आखना है कि अग शॉर्ट सर्किट नाल लगी है, जिसके चलते फिलहाल जानी नुकसान नहीं होया, पर फैक्ट्री विच पिया समान सड़ के सवाह हो गया। घटना की सूचना मिलद्या ही पुलिस भी मौके पर पुज गई। तो सवेरे मेरी लेबर आई है अपना कोई 9:30 के बीच में, तो लेबर ने मैं मेन स्विच आप ऑन किया। उस तो बाद उतले पोर्शन के बीच मेरे अग लगी है, जिथे कि मेरा सारा समान जरा वा बनया भी सारी मशीनी सी सैटिंग सी सारी, तो 3 फेज का मेरे को कनैक्शन है, जबकि मेरे इतने होर भी कनैक्शन ने 4-5 बैटरियां ने। बाकी परमात्मा ने जो भाणा वरताया बहुत माड़ा वरताया कि मैंने इन्ना है कि मेरे अंदर कोई वर्कर नहीं सी हैगा, तो जे वर्कर के बदले मैं वर्कर देना पैना सी, इस करके मारा दस करना। बाकी नुकसान वालों मेरा बहुत नुकसान होया, नुकसान भाजी 5-7 लाख के बीच हो गया। जिन्ना बैंक लोन हैगा सी मेरा, तो बैंक लोन हैगा मेरिया 2 फर्म है जी, बैंक लोन के उत्ते है। इतने सानू तलाह मिली भी अग लगी है, अभी मौके पर आए हैं तो जानी नुकसान कोई नहीं होया, तो अग हूँ कंट्रोल दे विच गली नंबर 3 है गुरु नानक नगर, गुरु नानक कलोनी। ये हुणे दी घटना जी, कुछ 11:15 की गल है, नुकसान इन्हों का 7-8 लाख रुपये का कैंट होया। सा पुलिस थाना रणजीत एवेन्यू वालों 4 दोषी सुखविंदर सिंह, गगनदीप सिंह, गुरपाल सिंह अते हरवंत सिंह नू काबू करके इन्हों के कब्जे विचों वारदात समय वरते जाने वाली किरपान ते बेसबॉल नू बरामद किया है। दोषियों उपर मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई की जा रही है। 28 अप्रैल की शाम को सेहत विभाग तो मिली सूचना मुताबिक कोविड केसों की गिनती रही 0 अते एक्टिव केसों की गिनती रही 9। हुण समा आ गया एक छोटे जिहे ब्रेक का, ब्रेक तो बाद तुसी देखोगे। जिला तरन तारण विखे कोरोना तो बचाव लिए किए गए हैं प्रबंध, आख्या सिविल सर्जन डॉक्टर सीमा ने। ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। फनलैंड अपने बच्चों को नेचर का अनुभव और राइड्स का फन दीजिए। आइए कंपनी बाग में सबके मनपसंद फनलैंड में और मजे लीजिए बेशुमार राइड्स, बोटिंग, रेस्टोरेंट, हॉर्स राइडिंग, आर्टिफिशियल जू, डांस और बहुत सारी एक्साइटिंग एक्टिविटीज का। एंट्री सिर्फ 5 रुपए से शुरू। Funland in your city, unlimited fun. तुझे देखा हुआ पागल पागल तुम्हारी बॉडी जैसे पारल पारल पासा जाने जा पन मेरी यामाहा लम्बे 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 है द थ्रॉटल लेट मी मेक यू मूव मेक यू मूव कम बैड बॉय बेबी वन मोर थोड़ा क्रैक जान लेवा रे से मेरा स्वैग लेट मी मेक यू मूव लेट मी मेक यू मूव ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। तरन तारण के सिविल सर्जन डॉक्टर सीमा ने आख्या कि जिला तरन तारण विच कोरोना का एक भी केस एक्टिव नहीं है।
ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਫਸਟ ਡੋਜ਼ 90% ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਉਹ ਫੌਰਨ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਨਿਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, 0% ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਕੁਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਖਤਰਾ ਹਜੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਐਫਰਟ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਗੈਰਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨਸ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਨੇ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ ਜੋ ਕਿ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਵਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਕਰਮ ਸਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਿੰਦਰ ਟਿੰਕੂ ਰਿਪੋਰਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਿਊਜ਼, ਤਰਨ ਤਾਰਨ। ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਯ ਪੰਡਿਤ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਪਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਪੰਡਿਤ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ 31 ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਨਹਿਰੂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ, ਕੱਲ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਸੁਬਹ 7:52 ਪਰ ਸ਼ਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਕਰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਮੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਂਗੇ। ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ੇ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਮੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਂਗੇ ਤੋ ਉਸੇ ਧਨੂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈਂ ਉਨਕੋ ਸਾੜਸਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਕੋ, ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਕੋ ਔਰ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਕੋ, ਤੀਨ ਰਾਸ਼ੀਓ ਕੋ ਸਾੜਸਤੀ ਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹੇਗਾ। ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਕੋ ਸਾੜਸਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਗੀ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਨਹਿਰੂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ 31 ਨੰਬਰ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਪੇ ਮੁਝੇ ਮਿਲ ਸਕਤੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸਸੇ ਸਭੀ ਕਾ ਭਲਾ ਹੋਗਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਜ ਸੇਖ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੈੜਾ ਸਮੇਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬੌੜੀ ਕਰਨ, ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਵਾਉਣ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੱਬਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੱਬਰ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੱਬਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਵੀ ਮੋਹਨ, ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਪੱਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੱਲਰ, ਸਰਪੰਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮੱਝੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਕੌਮ ਦੇ ਪੈਰੇ ਬਰਦਾਰ ਬਣੋ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕਿ। ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ
ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਈਓ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। नगर पंचायत अजनाला वालों अज यह उपरला किया गया भी शहर के जिमें भी आप लंघते हैं गए ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा ही, जिमें कि दुकानदारों वालों समान अगे लगया जाता वा, रेहड़िया वाले वालों रेहड़ी लगा के जेडे लोग बाहरों आते हैं, लोग आने जाने लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पैंता सी, जिस करके अज अं पुलिस प्रशासन की मदद नाल अज कार्रवाई की है, जिस लोगों को वार्निंग भी दी गई है भी भाई आप अपना समान जोड़ा वा वो अपनी दुकान के अंदर रखो। बागवानी विभाग अमृतसर के पीयर अस्टेट वालों किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान अधीन आजादी का अमृत महाउत्सव मुहिम तहत एक किसान कैंप लगाया गया, जिस विच काफ़ी किसानों ने भाग लिया। डिप्टी डायरेक्टर बागबानी तजेंद्र सिंह वालों पीयर अस्टेट अधीन कीतियां जा रही गतिविधियां अते विभाग वालों चलाईया जा रही स्कीमों बारे विस्तार नाल दस्या गया। सहायक डायरेक्टर बागबानी पीयर अस्टेट जसपाल सिंह ढिल्लों, बागबानी विकास अफसर जतेंद्र सिंह, खेतीबाड़ी विभाग के अश्विनी कुमार रामबानी, भूमि विभाग के अधिकारी रविंदर सिंह समेत कई अधिकारी ते किसान मौजूद सन। इलाका सुधार अमन कमेटी के प्रधान अते साबका कौंसलर तरसेम सिंह बोला अते समूह मैंबरां वालों वल्ला थाणा के SHO जसबीर सिंह, ASI प्रेम सिंह, ASI गुरप्रीत सिंह, ASI कुलदीप सिंह, ASI बिक्रम सिंह की वधिया कारगुजारी नूं देखदिया होया सन्मानित किया गया अते वधाई दी गई। इस मौके दविंदर सिंह, रमेश काका, सविंदर सिंह समेत वड्डी गिनती विच मैंबर मौजूद सन। भोला प्रधान जी समेत होर मोहतबर बंदे हाजिर आए जिन्होंने कहा कि असी तुहानू वल्ला टीम दी कीते कमां दे आधार ते सन्मानित करना चाहुंदे आ। थाणा वल्ले दे विच जो SHO साहब दी टीम नशे दे खिलाफ़ कम कर रही है, असी अज इन्हां नू कम वेख के SHO साहब दी टीम नू ते SHO साहब नू असी सन्मानित कीता। तहसील अजनाला दे नेड़े अड्डा महल बुखारी के नेड़े बिजली बोर्ड की अणगहली सामने आई है। 11 KV ट्रांसफार्मर विचों निकले चंग्याड़े ने 20 तों 25 एकड़ जमीन नूं साड़ के स्वाह कर दिता। ठेके ते लई जमीन के ठेकेदारों वालों मुआवजे की मांग की गई है। जमीन तो हैगी 30 किले, कुछ मटीए का रेशम सिंह वो ठेके से आ, कुछ मेरे भरा को व्डे को सुचा सिंह को, नाड़ 25 किले हैगा ही जिचों 20 किले नाड़ सड़ गया सबूता खलोता, जिहदी तूड़ी अजे बनने वाली हैगी, बिजली के स्पार्क जगन नाल होया। कस्सियां तो होंदियां, कोई कसदे ने कोई लैना नहीं कसदे, आ वले वेखो विंगे होए ने टेढ़े होए, तुसीं उधर उधर नूं भी कैमरा करके वेख सकदे जे, ते तारां जैम्पर जुड़िया नाल उहदे नाल स्पार्क डिग्गिया वा, साडा नुकसान 1 लाख तों 1.5 लाख दे विच विच हो गया, अंग मुआवजा मिलना चाहीदा। अज जी आए हाँ मटीए दी ते पक्षियां दी पैली आ महल मुखारी दे सामने, इत्थे आण के मौका वेख्या लगभग 25 तों 30 किले जिहड़ा नाड़ आ उह तारा की मतलब स्पार्क नाल सड़ गया पता लगा वा, तो बाकी आपां पार्टी तक इन्हां दी गल पहुँचावांगे, जो भी हैल्प हो सकती है आपां जरूर करांगे। 32 का सुनिया तो है, तो 32 सवेर की चली नहीं हैगी, बाकी जे उन्हां चैक चूक की हुई जे तारा सड़िया पाइया गई, जे उन्हां दी कोई अणगहली हुई तो फिर जो भी मतलब मंत्री साहब अजे चंडीगढ़ ने जदों भी आउणगे तो उन्हां नाल बह के भी भाजी आउणगे सारे जणे, तो जो भी बनती कार्रवाई जो भी होगी फिर। श्री दुर्गयाना तीर्थ स्थित श्री तुलसीदास मंदिर विखे श्री रामायण पाठ किए जा रहे हैं, वड्डी गिनती विच लोग भाग लेके पाठ कर रहे हैं। पुलिस चौकी माहल बाईपास नूं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के पिछले पास्यों माहल बाईपास पुल के नेड़े एक गली सड़ी लाश मिली है। इस लाश नूं लवारिस होने कारण शनाखत लई 72 घंटिया लई डेड हाउस सिविल अस्पताल विखे रखा गया है। इस व्यक्ति बारे किसी नूं कोई जानकारी होवे तां सूचित करो SHO थाना कैंट 9781130237। इंचार्ज चौकी माहल बाईपास 9781130244। आखिर विच मुख खबरां एक बार फिर तो, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ।
सांसद गुरजीत सिंह औजला पत्रकारां दे होए रूबरू। मेयर करमजीत सिंह रिंटू ने कामधेनु गोदाम ट्रस्ट का किया दौरा। इस अनाज दियां खबरां असीं अगले बुलेटिन विच फिर मिलांगे। हुण मैनूं दो इजाजत, धन्नवाद।